हाउ वॉज़ द लास्ट लेसन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न आप जब भी बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करें या उससे सिमिलर कोई और प्रोजेक्ट तो डिज़ाइन प्रोसेस लाजमी फ़ॉलो करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यही एक्चुअली आपकी वैल्यू है जब भी आप मार्केट में जाएंगे बिकॉज़ यू फॉलो आ प्रोसेस और वक्त के साथ साथ आपका यह प्रोसेस मज़ीद मच्योर होता जाएगा तो अगर हम इस मॉड्यूल की बात करें दैट इज द फोर्थ मॉड्यूल इसमें हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स कवर करेंगे एंड दैट इज द पेन टूल एंड द ब्रश टूल तो पेन टूल की बेसिक्स कवर की जाएंगी कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है फिर पेन टूल से कॉम्प्लेक्स शेप्स कैसे बनाई जाती हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जेसन होपी की वेबसाइट से जहां पे आपको बहुत सारी गाइड्स मिलेंगी टू क्रिएट डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम लोग एक बर्डी लिटिल बर्डी डिज़ाइन करेंगे एक मिल्क पैक का जो बॉक्स है उसको डिज़ाइन करेंगे यूजिंग अ पेन टूल डिफरेंट शेप्स और शेप बिल्डर टूल इसके बाद सेकेंड फेज़ के अंदर इसी मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ब्रश टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं जैसे कि कैलीग्राफिक ब्रश क्या है वो कैसे क्रिएट किया जाता है स्कैटर ब्रश कैसे क्रिएट किया जाता है इसी तरह से पैटर्न ब्रश ब्रिस्टल ब्रश इन सब को हम डिटेल में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इन ब्रशेस के जो स्ट्रोक्स हैं वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रोक्स की कोई लिमिट नहीं है दैट द लिमिट इज़ जस्ट योर इमेजिनेशन आप जिस तरह का स्ट्रोक इमेजिन कर सकते हैं आप वो अडोबी इलस्ट्रेटर में यूज़ कर सकते हैं यूज़िंग अ ब्रश तो फिज़िकल ब्रश को जो कि आप अपनी कॉपी के ऊपर किसी भी मार्कर से एक स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे तो हम उस स्ट्रोक को कन्वर्ट करेंगे एक डिजिटल ब्रश के अंदर और वो डिजिटल ब्रश आप अपनी डिफरेंट ड्राइंग्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब क्रिएट करेंगे तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं सो so, बिल्कुल लास्ट में हम ये देखेंगे कि ब्रशेज़ के लिए कौन सा इंस्पायरेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम मज़ीद सीख सकते हैं और आप ब्रशेस को सेल भी कर सकते हैं जो ब्रशेस के स्ट्रोक्स हैं सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल लेट्स गेट स्टार्टेड